आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन, मैं हूं इमरान खान। महाराष्ट्र में मराठा के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग भी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने आज रियासती असेंबली में स्वच्छर कमेटी का हवाला देते हुए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से पास किए गए मुस्लिम रिजर्वेशन मुद्दे का हवाला भी दिया। वाज़ह रहे कि रियासती सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिजर्वेशन को लेकर मराठा कम्युनिटी को जल्द ही खुशी देने का इशारा दिया है, जिसके बाद से ही मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग दोबारा उठने लगी है। सीएम के बयान के बाद एआईएमआईएम एमएलए वारिस पठान ने पूछा कि सीएम मुस्लिम तबके को यह खुशी कब देने का ऐलान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, फक्त गोलमाल करण्याचं काम सुरू आहे। अध्यक्ष महोदय, समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम सुरू आहे। आमची मागणी काय अध्यक्ष महोदय, दोन्ही अहवाल तात्काळ सभागृहामध्ये ठेवावी, आदेश ठेवावी। अध्यक्ष महोदय, आमची मागणी आहे। अध्यक्ष महोदय, अहवाल हे ठेवले पाहिजे। आणि मला आश्चर्य वाटतं की मुस्लिम समाजाच्या बाबतीमध्ये जे माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केलं त्याच्याबद्दल एक ब्रश शब्द सरकार काढायला तयार नाही। अध्यक्ष महोदय, ते काही धर्माच्या नावाखाली दिले नाही, ते सुद्धा मागासलेला अध्यक्ष महोदय होता, म्हणूनच तो आपण शिफारशी सत्तर समिती असेल किंवा या सगळ्याचा विचार करून अध्यक्ष महोदय या निर्णय झालेला आहे। आज त्याच्यामुळे सरकार बोलत नाही, अध्यक्ष महोदय नाही। आमची मागणी काय आहे, हे दोन्ही अहवाल सरकारनं तात्काळ ठेवावे, सभागृहामध्ये ठेवावे, अध्यक्ष महोदय आमची मागणी आहे। एनसीपी सरकार 15 साल सत्ता में रहे, जाते वक्त 2014 में उन्होंने रिजर्वेशन दिया 15% जॉब में, 5% एजुकेशन में, मगर उस रिजर्वेशन को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुंबई उच्च न्यायालय ये कहती है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन में एजुकेशन दे सकते हैं, तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्यों इनकी नीयत नहीं है रिजर्वेशन देने की? मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सारी के सारी सरकार एंटी मुस्लिम? देखिए साहब, रिजर्वेशन वारिस पठान अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा, मैं रिजर्वेशन उनके लिए मांग रहा हूं जिनका अपमान है कि उनका भी बेटा उनकी बेटी पढ़ लिख के आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने, राज्य का नाम रोशन करे, राज्य के अनेक नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, तो फिर ये मतभेद भेदभाव क्यों? इसलिए हम कहते हैं कि सरकार एंटी मुस्लिम है, इनकी नीयत नहीं है, मगर मराठाओं को रिजर्वेशन दे रहे तो हमको भी रिजर्वेशन दो। और मैं आपके माध्यम से सर्वमान्य मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को आप खुशखबरी सुनाने वाले हो ना, हमको कब खुशखबरी सुनाओगे? मुसलमान समाज भी आपका इंतजार में, खुशखबरी सुनाने का हमको भी रिजर्वेशन दीजिए। और हैदराबाद पहुंचे साबिक वजीर खजाना पी चिदंबरम ने तेलंगाना तश्कील का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस हुकूमत को इसका सेहरा देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरती रही है और रियासत में पीडीपी और अगर रियासत में टीडीपी की बात करें तो समेत दिगर जमातों के साथ इत्तेहाद को लेकर चिदम्बरम ने कहा कि वो आईन पर मुल्क को चलाने के हक में है, जहां सभी को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई है। मौजूदा हालात के लिए एनडीए हुकूमत को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा तकसीम की सियासत करती है, जिससे कि मुल्क के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट December 9, 2009 व्हेन आई मेड द हिस्टोरिक अनाउंसमेंट दैट स्टेप्स विल बी इनिशिएटेड टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट ऑफ तेलंगाना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिकॉल and underline the fact that it was the clear and far-sightedness of Srimati Sonia Gandhi that enabled the UPA government to create the state of Telangana. I thank the people of Telangana for their overwhelming support to our decision. As you're aware, the battle line in Telangana is drawn between the ruling TRS on the one side and the formidable alliance of Congress, Telugu Desam Party, Telangana Janasamiti, and Communist Party of India on the other. The BJP is on the other side, trying its utmost to divide India on lines of religion, caste, and language, impose majoritarian and authoritarian rule, capture institutions, and wreck the constitution of India. और के चंद्रशेखर राव के क्यादत वाली टीआरएस ने एक बार फिर से
तेलंगाना में हुकूमत तश्कील का दावा किया है। कारगुजार डिप्टी सीएम महमूद अली का कहना है कि चार साल में उनकी हुकूमत ने रियासत की तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केसीआर को मुसलमानों का साथी बताते हुए अली ने कहा कि कांग्रेस उन बीजेपी का मददगार बताती है लेकिन असल में कांग्रेस उन्हें बीजेपी का मददगार बताती है लेकिन असल में इस काम को वही लोग अंजाम देते आ रहे हैं। इन तमाम मौजूदात पर उनसे तफसीली बात की जी सलाम के इनपुट एडिटर खुर्शीद रब्बानी ने। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। सियासत की गहमा गहमी जो है यहाँ पर देखी जा सकती है स्टेट में, और स्टेट के जो डिप्टी सीएम है महमूद अली साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के आवाम के दरमियान जा रहे हैं। एक तरीके से शहरों का नाम बदलने का चलन चल पड़ा है, एक सियासत हो रही है उसका फायदा भी उठाने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद का भी नाम आता है कि हैदराबाद का नाम बदला जा सकता है, क्या इस तरफ जो है वो आप सोचते हैं क्या ऐसा होगा हैदराबाद का नाम बदला जाएगा? सब खतरा ही नहीं होगा, ये तो गंदी सियासत है। अगर कोई शख्स कहीं कर रहा है यूपी में बिहार में कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं। जो शहर बसाए गए हैं जिनके नाम से बसे हैं उन्हें नहीं बदलना चाहिए, उनका नाम नहीं मिटाना, उनका नाम मिटाने जाने में खुद उन लोगों का नाम मिट जाएगा। सीएम साहब का क्या इसमें वो है मौका? सीएम साहब सवाल ही नहीं पैदा होता, सीएम एक बहुत सेकुलर लीडर है। हैदराबाद का नाम जब तक मैं समझता हूँ ता क़यामत तक वही हैदराबाद रहेगा। कि ये आंकड़े जो हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं, कई बार लोगों की समझ में आते नहीं हैं और आप लेकिन उनको समझा रहे हैं, उनके दरमियान जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीन अलग अलग सभाएं तीन जलसे करेंगे एक ही दिन के अंदर, वो तेलंगाना स्टेट के अंदर हैदराबाद में भी होना है और आसपास भी होना है, आपको भी इस बात की खबर होगी। उनके आने के बाद आपको कुछ लगता है कि कुछ हवा बदलेगी, आपको कुछ खतरा पैदा होगा आपकी पार्टी को? साहब वो तीन नहीं 30 भी जलसे करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी जलसा करेंगे तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माहौल हम बदल चुके हैं। यहाँ का तेलंगाना स्टेट का माहौल कौमी एकजहती में अगर कहीं देखा जाए, हमारी स्टेट से गंगा भी नहीं बहती जमुना भी, पर सारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना जो तहजीब बात है वो तहजीब हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट के अंदर और ख़ासतौर से हैदराबाद में बीजेपी के 5 MLA 1 MP है जो 2014 के इलेक्शन में जीते थे। उसके बाद एक ही इलेक्शन आया कॉरपोरेशन का इलेक्शन, आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी दौरे करते रहते हैं, जहाँ 1 MP 5 MLA वहाँ उनके 2 कॉरपोरेट हो चुके हैं और वही मंजिली जमात है जिसके 7 MLA 1 MP है उसके 44 कारपोरेटर जीत चुके हैं। तो आप बताइए जो एक एम मजलिस के साथ तो आपका जो है वो पर्दे के पीछे इत्तेहाद भी है ना? अरे पर्दे के पीछे नहीं है, पर्दे के पीछे नहीं है क्योंकि हमारे को तो देखिए पूरे कैंडिडेटों पे हमारे कैंडिडेट ठहरे हुए हैं वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पीस चाहते हैं, सबसे हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम कांग्रेस से भी मोहब्बत करते हैं, मगर जब हम जाते डर लगता है वैसी हिसाब से डर लगता है ना वैसी की पॉलिटिक्स से, हमारे को कोई किस्म का डर नहीं है क्योंकि हमारे साथ आवाम है। ठीक है, आज अवैसी साहब को हमारी ज़रूरत है ऐसी बात नहीं है, हम हमेशा सबको एक साथ देखते हैं, पुराने शहर की तरक्की को एक साथ देते हैं। आज मूसी के आस्था सीएम साहब ने ओल्ड सिटी के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, तो मैं बताता हूँ हमको किसी से डर नहीं है और हम सबसे प्यार से रहना चाहते हैं, बीजेपी से भी प्यार से रहना चाहते हैं, कांग्रेस से भी, पर कांग्रेस का मुश्किल ये है वो जब नज़दीक जाते हैं तो लात मारते हैं तो वो मुश्किल है, उनसे परेशानी। हम कभी कांग्रेस को भी बुरा नहीं कहते, इलेक्शन आता है तो हमारे अपोजिशन जो पार्टी है वो कांग्रेस है, हम पे लगाती है बीजेपी से मिलते हैं, हम बोलते हैं भाई आप ही बीजेपी को असर लाने वाले आप ही लोग हैं, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले आप ही हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत आपकी हुकूमत में हुई, तो आप कौन सी सूरत से मुसलमानों को बता सकते कि हम सेकुलर है? 14 में तेलंगाना बना है और 12-13 देख लीजिए, 13-14 के देख लीजिए लास्ट बजट अपना 1,61,000 करोड़ का हमारा पूरा आंध्र प्रदेश का बजट था और हमारे हिस्से में कई साल से 40,000, 45,000, 50,000 करोड़ आते थे। आज 4 साल के अंदर आज हमारा जो बजट है तेलंगाना का आप सुनेंगे तो ताजुब करेंगे कि 1,74,000 करोड़ का बजट सिर्फ तेलंगाना का स्टेट का है, जहां हमको 40-45,000 करोड़ आते थे वहां 1,74,000 करोड़, कितना ग्रोथ है अभी बताएं। इंडिया में नंबर वन ग्रोथ स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। एजुकेशन में भी वैसी है, उन्होंने 65 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जिसमें 2,000 से कम बच्चे थे, हम 4 साल के अंदर 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं मुस्लिम बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में, हमने 204 स्कूल खोला। तो देखिए आप आवाम अब पहले की वैसी नहीं रही, बोली भाली दीनी आवाम, हर घर के बच्चे बच्चे तक जो है पूरे इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं, हम पूरे मुतमिन हैं। ये तो क्या हुआ कुटुम्बी महाकुटुम्बी बना के अखबारों में रोज रोज बयानबाजी देखे, अखबार में कुछ तो कुछ बयान आता है मगर हमको पूरी उम्मीद है आवाम के दिल में बसने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महमूद साहब, इनको बहुत उम्मीद है कि जो काम इनकी हुकूमत ने किए हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने किए हैं और या डिप्टी सीएम रहते हुए या जो पूरी कैबिनेट है जो काम किए हैं उस वो काम का असर जो है वो ज़मीन तक पहुंचा है, आम लोगों तक पहुंचा है और अब
लोग जो हैं अपना प्यार अपने प्यार से इनकी पार्टी को ज़रूर नवाजेंगे और इन्हीं ही की पार्टी की जो है वो जीत तेलंगाना में ज़रूर होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ खुर्शीद रब्बानी, जी मीडिया, हैदराबाद। इधर हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार राजा सिंह के खिलाफ बीएलएफ ने एक ट्रांसजेंडर को अपना उम्मीदवार बनाया है। साबिक एमएलए राजा सिंह ने पिछले इलेक्शन में अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामानी हलके से बीजेपी की जीत के बाद यह असेंबली हलका काफी सुर्खियों में आ गया है, जिसे देखते हुए रियासती जमात बीएलएफ ने कहा है कि एक ट्रांसजेंडर को अपना उम्मीदवार बनाया जाए। और अपने नॉमिनेशन के बाद बीएलएफ उम्मीदवार ने बड़ी जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का उनका मकसद अवामी मसाइल को दूर करना है, इसके लिए वो मकामी लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। Past several hundreds of years ago, the transgender society is in India and is in Telangana state, but the Telangana state has been denied to recognize transgenders. So because of that, if there is any policy level change comes in the government, then we can be part of the society. We all thought like that, and because of that only, to change the policy level, to change the policies and to be part of society, we have been part in politics. As being a human, I have a lot of humanity on humans, so I'll follow always my humanity. I never did any wrong things in my life, and I never has been taken any wrong steps regarding the societies or regarding the place where I have been contesting. So I don't have any affrights or I don't have any fear against any others, because I am an individually grown a leader or a grown a member by the community, to the community and to the society. I expect only one thing. See, vote is not any money bank to sell anyone. So you have to respect your vote, because for only after only every 5 years only you get a chance to make your leader or to make your life beautiful. So please don't sell your votes. Respect your vote. Then you will be part of the society at any cost. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर तेलंगाना में भी एक शख्स ने इंतखाबी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रविंद्र उपला श्रीलिंगमपल्ली सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आईटी की नौकरी छोड़ करके सियासत में आने के बाद उन्होंने इसे मौजूदा सियासी हालात के लिए जिम्मेदार बताया है। इस मामले में रविंद्र अपूला का कहना है कि आईटी सेक्टर में जॉब और 20 साल का तजुर्बा होने के बावजूद उनका यह फैसला चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन मौजूदा दौर के लीडरान के काम उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। रविंदर का यह भी कहना है कि वो चाहते हैं कि लोगों को करप्शन से छुटकारा मिले और ये भी साबित किया जा सके कि सियासतदान भी ईमानदार होते हैं। I jumped into the fray of politics despite having a handsome job in IT and having a 20 years of experience, because of the anguish that you and I and everybody gets when they look at the state of affairs in the country. And we see that one of the major root causes of the problems that we are facing is political corruption. And that politicians have to show the characters of integrity, accountability, and transparency, which they are not doing. And every time we discuss, we see that there is a problem in politicians, political corruption. But and we always say things have to change, but we are not doing anything to change the state of affairs. And we always say somebody should come and change the things, but we do not come forward to change it ourselves. So the anguish caused by looking at the current state of affairs, the problems that we are facing, the root cause which is political corruption, and my willingness to change the scenario a little bit is the reason behind me getting into politics. कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी की मुस्लिम तबके से नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही है। रियासत में मिलादुन नबी के तकरीब में भी वो शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर के तरह तरह की सियासी बातें शुरू हो गई है। सियासी बातें और क्यों वाईएमसी मैदान में होने वाले सरकार की आमद तकरीब में हर साल रियासती सीएम शामिल होते हैं, ये भी एक अहम मुद्दा है, और इस बार नहीं हुए ये भी उससे बड़ा मुद्दा हो गया। वाजरे के असेंबली इंतखाबात के बाद सीएम कुमार स्वामी मुस्लिम तबके से काफी नाराज नजर आए। हालांकि इत्तेहादी हुकूमत के बाद उम्मीद थी कि वो उनके लिए कुछ खास करेंगे, लेकिन अपने पहले बजट में मुस्लिम का जिक्र तक उन्होंने नहीं किया, या किया भी तो बहुत बाद में। किसी भी मुस्लिम तकरीबात में वो शामिल नहीं हुए। असेंबली हाल ही में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की तकरीब
वहां पर चलती रही, लेकिन उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। हज की इफ्तिताही तकरीब सीएम कुमारस्वामी ने इस तकरीब में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसी बहुत सारी तकरीबात हो चुकी हैं जो मुस्लिम तबके से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसमें सीएम कुमारस्वामी शामिल नहीं हुए। लगता है कि वो कुछ प्रोग्राम होगा, वरना जरूर आना चाहिए था, मगर जैसा आप लोग कह रहे हैं कि टिप्पू जयंती में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसके बारे में हम लोगों को गौर फिक्र करना होगा। तो अरे मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं ये बात बोलूँ तो पॉलिटिकल इशू होता है। अब वो वजीर आला क्यों नहीं, लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। अब ये एक चीज़ है, ये हमारा स्टेज का एक मुकाम है कि यहाँ पर स्टेज पे जो आया अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, फैज़ पाते गया और कामयाबी हासिल करता गया। हर सीएम यहाँ आते थे, इस बार नहीं है। नहीं है, ये बात तो पक्की है। हम लोग ने जाके दिए थे, हालांकि वो बता रहे थे अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं जरूर आऊंगा। पूरे मुल्क में कल अकीदत और एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी तकरीब मनाई गई और हर सिमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी देखी जा रही थी। और इस मौके पर मस्जिदों और दीगर इबादत गाहों के अलावा मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को खास तौर पर सजाया गया था। इसी कड़ी में दक्कन इलाके के बेंगलोर और हैदराबाद के अलग अलग जगहों पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस जो है सिलगट्टा, बागलोर, रजाक पाड़िया यहाँ से निकला है, तो अभी जो है मदीना ग्राउंड पे जाएगा जुलूस। ये शिवाजी नगर, टैनी रोड, कंट्रोमेंट पूरा फिरते हुए जो है चौक को जाकर उसके बाद में जो है जुलूस मदीना ग्राउंड पे पहुंचेगा। यहाँ पर एक ही पैगाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है। सारे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब यहाँ पर आकर ये बता रहे हैं कि ये आशिक़े रसूल हैं, सच्चाई के आशिक़ हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है और यही हिंदुस्तान है। सबसे कदीम तंजीम है ये, तंजीम ने ही इसका ये बनाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाए। तंजीम का अहले सुन्नत जमात यही है, सुन्नी जमातुल उलमा, इट्स ऑल द सेम। तो इसी से आगाज हुआ, इसी से जो शहर भर में जो जिस जगह हो रहे हैं इसी से निकले हैं लोग, बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट पीपल इन वन प्लेस। तो उस उनकी जगह में, उनके मुकाम में, वहां पे ईद मिलादुन्नबी होता है। और कर्नाटक में किसानों का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्ज माफी, तबाहकुन बारिश और फिर सूखे की मार झेल रहे किसान मुजाहरे पर उतर आए हैं। और इस बीच सीएम कुमार स्वामी ने कई किसान तंजीमों से बातचीत करके उनकी मदद की यकीन दहानी कराई है। इस बीच सीएम कुमार स्वामी की तल्ख बयानी को लेकर बीजेपी मुजाहरे पर उतर आई है। उनका कहना है कि सीएम किसानों के लिए नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मौके पर कुछ किसान तंजीम और बीजेपी लीडरान ने खबरदार किया कि अगर किसानों के मुतालबात नहीं माने गए तो यह आंदोलन, ये तहरीक रियासत गिर पैमाने पर की जाएगी। जबकि कांग्रेस बीजेपी इस पर मुद्दे को हवा देने का इल्जाम लगा रही है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर के बीजेपी एक बार फिर सड़कों पर कर्नाटक में, और कर्ज माफी, तबाहकुन बारिश और फिर सूखे की मार झेल रहे किसान मुजाहरे पर उतर आए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी किसानों के खिलाफ जो बात किया है वो बहुत बड़ी अगौरव की बात है। कर्नाटक के कई जिलों में किसान जाग उठे हैं, अपने अपने तकलीफों को सरकार के सामने रख रहे हैं, अपने डिमांड को रख रहे हैं। डिमांड फुलफिल करने के बजाय कुमार स्वामी ने एक लेडी को, एक रहित महिला को बताया, रहित लेडी को बताया, एड्रेस किया तो बोला आप चार साल कहाँ सो गए थे, सो गई थी। ये बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है। इसीलिए और दूसरे जो इसमें एजिटेशन में जमा हो गए थे किसान, उनको बोले ये सब गुंडा है और रेवड़ी है, तो मतलब इनको किसानों के खिलाफ कोई गौरव नहीं है। इसीलिए मैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग आज उनके खिलाफ प्रतिभटना किए, उनके एफिजी को जलाए और हम वार्निंग देते हैं उनको, उनको डिमांड करते हैं अगर क्षमा नहीं पूछेंगे महिलाओं के और किसानों के तो ये आगे बढ़ेगा और आपको कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा।
वो किशन लोग का टोटली 500 करोड़ बैलेंस देने का है। ये हमारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, उसको सब लोग किशन लोग स्ट्राइक करे तो वो क्या बोलता है, ये किशन लोग नहीं है, ये गुंडा लोग है बोल रहे। अरे ये सब लोग है किशन लोग है, वो आपका दिमाग में गुंडा दिखता है, गुंडा कैसे दिखता है। ये वो लेडी है, लेडी वो लेडी भी एग्रीकल्चर कर लेकर होगी। हमारे पास है ज्यादा ज्यादा बोले तो लेडीज एग्रीकल्चर करता है, जेंट्स लोग के साथ लेडी भी करता है। ये पैसा नहीं है बोले तो आप गुंडा है, वो क्या उसका दिमाग में क्या है वही बोलता है। अरे नहीं भाई, 500 करोड़ देने का है, 500 करोड़ वो बाकी है हमारा। 12 महीना गन्ना बहुत का बहुत ये करके करे सो है, वो हमारा पैसा दे बोले तो वो गुंडा है, ये बोल के कारखाने को कुछ भी नहीं बोलते। अरे साहब कारखाने को बोलो, वो कारखाने क्यों बोले तो हमारा MLA MP का कारखाने बोल के उसका तरफ बात करते क्या। अभी साहब 15 दिन छोड़ रहे हैं, 15 दिन उसको टाइम दिया, अगर 15 दिन को प्रॉब्लम साल न हो तो बहुत बढ़िया स्ट्राइक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्ट्राइक कर रहे हैं, पूरा कर्नाटक बंद कर। जब हमारी गवर्नमेंट थी सिद्धरामैया वहां थे, उस वक्त भी फार्मर्स का लोन हमने माफ किया, UP में ने किया, और MSP बढ़ाने की भी हम कोशिश की, और बोनस देने कईयों चीजों में हम बोनस दिए, और जितने भी उनकी समस्याएं थी हल करने की कोशिश थी। ये रहा सवाल गन्ने का, तो इस शुगर ग्रोइंग एरिया में एजिटेशन है, और कल इसको चीफ मिनिस्टर ने बुला के और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बैठ के और बहुत ही घंटों से चर्चा करके एक चंद डिमांड पे वो एग्री भी हो गए हैं, और उसको किस ढंग से लागू करना ये भी बात हो गई है। अब BJP अपनी रोटी सेकने के लिए ये फिर ऐसे लोगों को भड़काव करना, इंस्टिगेट करना, लोग अगर समाधान से जा रहे हैं और कुछ समय भी दिए हैं तो बीच में ये लोग उनको भड़काना ये अच्छी चीज नहीं। और गज साइक्लोन से तमिलनाडु में हुई भारी तबाही के बाद रियासती सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली पहुंचे सीएम के पलानी सामी ने रियासती लीडरान और पार्टी अराकी ने पार्लियामेंट के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, और इस मौके पर खास तौर से तबाही का जिक्र करते हुए AIADMK लीडरान ने इजाफी मदद की मांग की है। वाज़िर है कि गुज़श्ता दिनों रियासत में आए गज तूफान से काफी तबाही हुई थी, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और काफी तादाद में रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ था। तूफान की वजह से ज्यादातर इलाकों की पावर सप्लाई भी तहस नहस हो गई थी। तो नाज़रीन इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है।